तो पिछले 3-4 साल के अगर आंकड़े देखें तो नकल के प्रकरण में अभूतपूर्व गिरावट आई है। जहां 20 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं वहां अगर 2000 ही नकल प्रकरण बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत कम है। इसको भी कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉपर हो जाए, रिवैल्यूएशन को अप्लाई कर सकें प्रॉपर, इसके लिए क्या प्रावधान है? अधिकांश फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ हैं उसको हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया, उसके लिए अप्लाई करने के लिए उनको यहाँ आना नहीं पड़ेगा। स्थानीय स्तर पे जो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय, जो हमारे समन्वयक संस्था हैं, वहाँ पे वो अप्लाई करें या कियोस्क में ही वो अप्लाई करें। कुछ समय से देखा जा रहा है कि एक काउंसलिंग सेल स्टार्ट की है बोर्ड ने। लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको टोल फ्री नंबर भी एक इंट्रोड्यूस कर दिया और नंबर ऑफ काउंसलर्स बढ़ा दिए। अब सुबेरे 8 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक ये काउंसलिंग सेंटर हमारा कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक 7 days a week चलता है और 15 जनवरी से शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक चलता जाएगा। पाठ्यक्रम कैसा हो, प्रश्न कैसे तैयार किए जाएं, उनके लेवल्स कैसे निर्धारित किए जाएं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 40% क्वेश्चंस सामान्य प्रकार के आसान होने चाहिए, 30% क्वेश्चंस स्लाइटली डिफिकल्ट होना चाहिए और 20-25% क्वेश्चंस थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो, जिससे कि जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनकी दूसरे लोगों से पहचान हो सके। एसआर मोहंती, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से, खास बातचीत देखिए IND 1-2-1 नवीन पुरोहित के साथ आज रात 8 बजे सिर्फ IND 24 पर।